हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को फॉक्स प्रो में इंसर्ट और अपेंड कमांड के बारे में बताने जा रहा हूं। इंसर्ट कमांड क्या होता है, कैसे काम करता है, अपेंड कमांड क्या होता है, कैसे काम करता है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ये बात पता चल जाएगी। तो चलिए बिना समय गंवाए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। मैंने पहले से यहाँ पे फॉक्स प्रो खोल के रखा है, मतलब कि इसका लैब जब आप करेंगे तो आपको फॉक्स प्रो खोल लेना है। एक टेबल आपको बना के रखना है या बना लेना है। जैसा कि आप देखेंगे अभी मैंने यहाँ पे एक डेमो नाम का टेबल बना के रखा है, जिसके अंदर मैंने तीन कॉलम रखे हैं, रोल नेम और एड्रेस। आप चाहें तो आप अपने ज़रूरत के मुताबिक कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स घटा बढ़ा भी सकते हैं। अभी इसमें एक भी रिकॉर्ड नहीं है, तो अगर सपोज कि मैं अपेंड करता हूँ तो अभी चूंकि एक भी रिकॉर्ड नहीं है तो ये बात पता नहीं चल रही है कि आप जो रिकॉर्ड डालेंगे वो किस पोजीशन पर जुटेगा। लेकिन सपोज कि मैंने रोल नंबर 6 डाला, नाम रोहित, एड्रेस जो है मुंबई है। रोल नंबर 7 डाला, नाम धोनी, एड्रेस रांची है। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास दो रिकॉर्ड ऑलरेडी हैं। अब देखिए समझते हैं पहले अपेंड कमांड कैसे काम करता है। सपोज कि आप चले जाते हैं गो टॉप कमांड से बिल्कुल टॉप पे, मतलब आप पहले रिकॉर्ड पे हैं। अभी अगर आप अपेंड कमांड यूज करते हैं तो अपेंड कमांड में क्या है कि आप किसी भी रिकॉर्ड पे रहें उससे कोई मतलब नहीं है, आपका रिकॉर्ड पोजिशन क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। अपेंड कमांड जब भी एक नया रिकॉर्ड या एक से अधिक नया रिकॉर्ड ऐड करता है तो वो एक्टिव टेबल के लास्ट में ही ऑलवेज ऐड करता है। देख लेते हैं, इंटर मैंने प्रेस किया, रोल नंबर 2 नेम मोहन नवादा, रोल नंबर 4 नेम सोहन पटना। अब कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करने के बाद मैंने ब्राउज करके देखा तो आप देख रहे होंगे कि हालांकि मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के समय मैं पहला रिकॉर्ड पे था, लेकिन जो दो रिकॉर्ड्स मैंने ऐड किए, रोल नंबर 2 और रोल नंबर 4 वाला, वो आपका जो ऐड हुआ वो एक्टिव डेटाबेस के अंत में ऐड हुआ। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक्टिव टेबल में किस रिकॉर्ड पोजिशन पर रहते हैं। ठीक है, अभी अगर आप सपोज दूसरे नंबर रिकॉर्ड पर चले जाते हैं और आप अपेंड ब्लैंक यूज करते हैं, अपेंड ब्लैंक क्या करता है, एक नया रिकॉर्ड आपको आपके डेटाबेस फाइल में जो है ऐड करके देता है, तो क्या ये दूसरे रिकॉर्ड के बाद ऐड होगा या दूसरे के पहले ऐड होगा या बिल्कुल लास्ट में ऐड होगा, देख लेते हैं। मैंने इंटरप्रेस किया, एक ब्लैंक रिकॉर्ड ऐड हो गया, ब्राउज करके मैं देख लेता हूं। ये देखिए आपका जो नया रिकॉर्ड है वो लास्ट में ऐड हुआ है। आप चाहे तो यहां पे एडिटिंग कर सकते हैं, वो अलग मैटर, लेकिन इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि अपेंड कमांड जो है वो जब भी ऐड करेगा तो एक्टिव डेटाबेस फाइल के, एक्टिव टेबल के बिल्कुल लास्ट में ऐड करेगा। इसको कोई मतलब नहीं है कि आपका रिकॉर्ड पोजीशन क्या है। और यही वजह है कि अगर आप पहले रिकॉर्ड पे हैं और आप चाहते हैं कि हम पहले रिकॉर्ड के पहले एक ऐड करें रिकॉर्ड या एक से अधिक रिकॉर्ड, तो आप अपेंड बिफोर यूज करते हैं तो ये जो है गलत कमांड बताता है। उसी तरह से अगर आप अपेंड आफ्टर यूज करते हैं तो ये भी आपका गलत ही बताएगा, क्योंकि अपेंड जो है वो लास्ट में ऐड करता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो अपेंड बिफोर अपेंड आफ्टर का कोई लॉजिक ही नहीं आता है। लेकिन चलिए अब देखते हैं, ये हमारे पास 5 रिकॉर्ड है, ये ब्लैंक रिकॉर्ड मैंने ऐड किया था। चलिए यहां मैं रोल नंबर 3 एक कोई रिकॉर्ड में ऐड कर देता हूं, ताकि अब जो है ये आपके पास ये ऐसा रिकॉर्ड है। अब आप चले आते हैं पहले रिकॉर्ड में और अब अगर आप इंसर्ट यूज करते हैं, इंसर्ट कमांड, तो देखिए इंसर्ट कमांड के साथ क्या है ना कि ये एक्टिव रिकॉर्ड पोजीशन को काउंट करता है। मतलब कि इंसर्ट कमांड बाय डिफॉल्ट एक्टिव रिकॉर्ड पोजीशन के बाद एक या एक से अधिक रिकॉर्ड ऐड करता है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, इंसर्ट हमने किया, रोल नंबर हमने 10 डाला, नाम हमने डाल दिया पीयूष नवादा, कंट्रोल डब्ल्यू। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो नया रिकॉर्ड है ये पहले रिकॉर्ड के बाद ऐड हुआ, तो ब्राउज करके देखते हैं तो हाँ बिल्कुल पहला रिकॉर्ड जो था वो मेरा रोल नंबर 6 था, उसके बाद ही ये ऐड हुआ है। मतलब बाय डिफॉल्ट इंसर्ट जो है वो एक्टिव रिकॉर्ड पोजीशन के ठीक बाद एक या एक से अधिक रिकॉर्ड ऐड होता है, हालांकि यहां पे मैंने एक ही रिकॉर्ड ऐड किया है। चलिए मुझे ये रोल नंबर 7 जो कि तीसरा रिकॉर्ड है इसके बाद कुछ ऐड करना है, एक रिकॉर्ड या एक से अधिक रिकॉर्ड, तो मैं चला जाता हूं तीसरे नंबर रिकॉर्ड पे
और हालांकि इंसर्ट से भी वही काम होगा, लेकिन इंसर्ट आफ्टर भी अगर मैं करूँ तो देखिए यहाँ रोल नंबर 11 नाम जो भी है, एड्रेस जो भी है, रोल नंबर 12 नाम जो भी है, एड्रेस जो भी है, रोल नंबर 13 नाम जो भी है, एड्रेस जो भी है, कंट्रोल डब्ल्यू। तो अब आप देखें तो ये देखिए जो नया वाला तीनों रिकॉर्ड ऐड हुआ है 11, 12 एंड 13, 11, 12 और 13 वो तीसरे रिकॉर्ड के ठीक बाद ऐड हुआ है। तो ये काम आपका इंसर्ट आफ्टर का है। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि ये जो पहला रिकॉर्ड है रोल नंबर 6 नेम रोहित एड्रेस मुंबई, इसके पहले एक या एक से अधिक रिकॉर्ड ऐड हो तो मैं पहले रिकॉर्ड पर चला जाऊंगा इंसर्ट, और उसके बाद मैं लिखूंगा इंसर्ट बिफोर। जैसे ही मैं ऐसा लिखता हूं, अब देखिए आप रोल नंबर 100 कुछ भी आप रिकॉर्ड डाल दीजिए, एक ही रिकॉर्ड चले मैं डालता हूं। अब मैं ब्राउज करके देखता हूं तो आप पाएंगे कि ये देखिए पहले रिकॉर्ड के ठीक पहले एक रिकॉर्ड आपका ऐड हो गया, एक ही रिकॉर्ड ऐड हुआ है। अगर मैं फिर से पहला रिकॉर्ड पे चला जाऊं जो कि अभी जो न्यूली एडेड रिकॉर्ड है वो है, और अगर मैं यहां लिखूं इंसर्ट बिफोर और यहां पे सपोज मैं 102 जो भी नाम है ऐसा मैं कुछ ऐड कर दूं, तो आप देखेंगे कि ये जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स मैंने ऐड किए हैं ये करंट रिकॉर्ड जो कि एक्टिव रिकॉर्ड आपका पहला था उसके ठीक पहले ये ऐड हो गया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि रोल नंबर 6 जो कि आपका चौथा रिकॉर्ड है, ये देखिए यहां पे रोल नंबर 6 आपका चौथा रिकॉर्ड है, नेम रोहित है, इसके ठीक बाद एक ब्लैंक रिकॉर्ड ऐड हो जाए तो मैं 4 पे चला जाऊंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा इंसर्ट ब्लैंक। अब आप देखिए जो ब्लैंक रिकॉर्ड आपका ऐड हुआ वो अपेंड ब्लैंक के तरह है, लास्ट में नहीं ऐड हुआ बल्कि एक्टिव रिकॉर्ड पोजीशन के ठीक बाद ऐड हुआ। आप चाहे तो बाद में इसका आप जो है वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये आपका जो है डिफरेंसेस हो गया इंसर्ट और अपडेट कमांड में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अलॉट।